हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके, इसके अलावा मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के पेज भी नीचे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई जो कि आपका जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा उत्तर प्रदेश में टीचर जो कि असिस्टेंट टीचर के यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो कि ओपन हो गया है। यहाँ पे 69,000 जो कि वैकेंसी है। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो है बहुत सारे है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ 69,000 असिस्टेंट टीचर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। Those candidates are interested and completed the all eligibility criteria can read the full notification before apply online. तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा इसका जो फुल जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको मैं यहाँ पे ओपन वन बाय वन जो कि आपको बताता जो कि क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन जो कि शुरू होगा 6 दिसंबर 2018 से और लास्ट डेट जो रहेगा यहाँ पे 20 दिसंबर 2018। तो ध्यान रहे जो कि एप्लीकेशन डेट जो कि बहुत कम है। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग इस डेट में आप लोग कर सकते। और एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन डेट जो है 6 दिसंबर 2018 और लास्ट डेट जो है 20 दिसंबर 2018 में आपको यहाँ पे लास्ट डेट है। एग्ज़ाम जो होगा आपको 6 जनवरी 2019 में आपको एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड आपको जनवरी मंथ में आपको जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप तभी वहाँ से जो कि इसका ऑफिशियल पेज है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट जो है 22 जनवरी 2019 में इसका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल ओबीसी वालों के लिए 600 रुपीज़ आपको दिया जाए आपको भरना होगा, एन एस सी एस टी के लिए 400 रुपीज़ आपको भरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI आई कलेक्टेड फी मोड कैंडिडेट कैन पे द एप्लीकेशन फीस आफ्टर 24 आवर रजिस्ट्रेशन थ्रू द ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और पे द एग्जाम फी थ्रू द ऑनलाइन ई चालान फी मोड ओनली। वैकेंसी जो है 69,000 पोस्ट है। इसके साथ साथ पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट टीचर और एज लिमिट जो है यहाँ पे मैक्सिमम 21 से 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी जो कि यहाँ पे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 2 ईयर्स के जो कि DLED आपको होना चाहिए आपके पास और प्राइवेट लेवल UPTET और CTET एग्जाम पास्ट, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एप्लीकेशन के लिंक जो कि 6 दिसंबर 2018 से एक्टिवेट होगा, जिसके लिए इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल के जो कि पेज है, इसका जो ऑफिशियली जो एडवर्टाइजमेंट निकला हो उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ही इसके साथ साथ इसका जो और भी डिटेल्स जो कि दिया गया है उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं UP 68,500 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2018 एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे सब कुछ जो कि यहाँ पे डिटेल दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते। उसका भी मैं लिंक मैं नीचे दे दूंगा, एडवर्टाइजमेंट का लिंक, आप लोग वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो रिसेंटली ये न्यूज़पेपर भी आया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है 69,000 शिक्षक की भर्ती के लिए 6 से फॉर्म भरे और परीक्षा जो है 6 जनवरी को होगा। तो दोस्तों, ये था यूपी असिस्टेंट टीचर ऑनलाइन के रिसेंटली पोस्ट जो निकला हुआ उसका। अगर आप लोग को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।